हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे ब्राइडल ब्लाउज़। तो मैंने लिया हूँ ट्रिपल ए, इसकी बीट्स लिया हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम दो दो करके सियेंगे, फिर उसी बीट्स के हम लोट सियेंगे, ये चार चार के। तो आपको इसका बॉर्डर बताता हूँ, और फिर संडे के दिन जो इसके ऊपर का हिस्सा है उसका भी वीडियो हम डालेंगे। तो देखिए, 3 नंबर मैंने मोती लिया हूँ डल गोल्ड। ये देखिए, इस तरह से इतना गैप देके सिलना है हमें। ये देखिए, इस तरह से हम इतना गैप देके सिलेंगे। फिर ये लिया हूँ मैंने मीडियम साइज़ की चेन, सिल्वर डायमंड की है, गोल्डन उसका कवर है। ये देखिए, इस तरह से हम चेन जब भी सिलेंगे तो हम इस तरह से सिलेंगे। बहुत से लोग उसे ऐसा राउंड शेप में सिलते हुए जाते हैं, नहीं, पर इस तरह से क्या होता है, स्ट्रेट भी बैठती है और धागा भी कम दिखता है। फिर ये देखिए, हम लोट सिलेंगे, तो मैंने रॉयल रेशम यूज़ करता हूँ, रॉयल रेशम अच्छा होता है सिलने में। ये देखिए, इस तरह से हम लोट सिलेंगे, दो दो टाका ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम भर देंगे, क्योंकि मैं बीच में खाली पैटर्न दिया हूँ इसके, चार मड़कन सिल के। ये देखिए, अब ये मैंने लिया नूरी गोल्डन मीडियम साइज़ की। ये देखिए, इस तरह से हम बीट्स की आउटिंग कर देंगे। ये मेरे पास है हाफ वाइड मोती, ये देखिए इसकी भी आउटिंग कर देंगे। ये भी 3 नंबर है। ये देखिए, इस तरह से फ्लावर की हम आउटिंग कर देंगे ताकि ये खूबसूरत दिखे। फिर हम डंडियों की भी जो आउटिंग है उसकी भी, डंडी की भी आउटिंग कर देंगे। फिर ये देखिए, मैं ये पत्ता सिलने के लिए कैसे है? एक, फिर दो, फिर तीन, और ये इस हिसाब से आप प्रिंट के हिसाब से ये चार, फिर ऐसे पांच आ जाएगी। ये देखिए, पांच आ गए। फिर हम इस तरह से ऐसे पांच पांच सिलते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पांच पांच सिलते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, मैं पत्ती के बीच में, जैसे फूलों के बीच में अपन हमने लिए थे पैटर्न, इस तरह से देखिए मड़कन कर देंगे आउटिंग के आजू बाजू टाका देके, के ताकि पत्ती उठी हुई लगे। ये देखिए, इस तरह से सियेंगे, ये दो दो टाके से हम सिलते हुए चले जाएंगे। फिर ये जो मैंने फैब्रिक ग्लू है देखिए, और सिल्वर चांगले, ये 4 नंबर, इसे चांगला कहते हैं मटेरियल की दुकान पे, उसको सूखने देंगे हम, अच्छी तरह से सूख जाएगा, फिर उसके बाद उस पर हम काम करेंगे। तो ये देखिए, ये मैं गाटा का सिल रहा हूँ, 16 तार का, जो मोती में हमने गैप छोड़े थे उसके अंदर एक एक सिल देंगे ताकि ये खूबसूरत दिखे। तो मैंने दो कलर में सिया हूँ, रेड और रानी कलर में। ये देखिए, साइड में आपको दिख रहा होगा। फिर ये हमें दर्दी की पत्ती सिल देंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले आउटिंग कर देंगे, फिर ऊपर से बन लगाएंगे। हमेशा जब भी पत्ती सिलना है, नीचे से बन लगाओगे आप तो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हम सिलते हुए आ जाएंगे। ऊपर से सिलने से क्या होता है, पत्ती का शेप अच्छा होता है, पॉइंट ऊपर से दिखना मांगता है पत्ती का। ये जो चांगला हमने चिटकाया था तो वो सूख चुका है, तो उसके बाजू में हम दो तार की आउटिंग कर देंगे रेशम की, डबल रेशम की आउटिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आउटिंग हो गई। फिर ये देखिए, वही 16 तार रेशम है, तो हम खाली इस पर ऐसा एक एक डालते चलेंगे, जो हमने गैप छोड़ा था पत्ती के बीच में।
ये हमने गोल्डन कसब है, इसकी आउटिंग कर देंगे। गोल्डन कसब आप जब भी लें तो 300 नंबर और 800 नंबर, और ये ले दयाल जी का, तो कैसा है कि ये हल्का पतला होता है, जाड़ा रेशा कसब होता है ना, तो वो सिलने में थोड़ा तकलीफ देता है कि टूटता है, इस वजह से ये मैं ज़्यादातर तो दयाल जी का 300 नंबर और ये, क्योंकि इसका गोल्डन कलर भी अच्छा होता है। कि ये हम जने जो फूल के बीच में नूरी सिए थे उसके बीच में हम डायमंड लगा देंगे, 28 नंबर के डायमंड है। ये देखिए बॉर्डर तैयार हो गया, और ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है जो दूल्हा दुल्हन का, उसका वीडियो आपको मैं बोला वो संडे के दिन डालूँगा। ये देखिए ये बॉर्डर भी हमारा देखे, ये देखिए